अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद की तरफ से आज फिर 31 मार्च 2024 को वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनमें ग्रेड 14 और क्लास 4 की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। ये आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज पार्ट 2 के तहत ये वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट मेरे पास है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वैकेंसी जो है असिस्टेंट की है। बेसिक पे स्केल 15 है, इसके लिए 18 से 28 साल आपकी एज है। पाकिस्तान के किसी एरिया में भी आपको पोस्ट आउट किया जाएगा, ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटा दिया गया, ये ऑल पाकिस्तान जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान के जो सूबे हैं वहाँ के रहने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, 18 से 25 साल आपकी एज रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और पूरे पाकिस्तान से आप देख सकते हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रेटर और बेसिक पे स्केल जो है इसका 14 है, 18 से 25 साल आपकी एज रिक्वायर्ड है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसमें 62 जो है वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है प्रिंटिंग स्टाफ की है, बेसिक पे स्केल 12 है, जिनमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन है वो 18 से 25 साल है और बैचलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। LDC की वैकेंसीज है, 18 से 25 साल आपकी एज रिक्वायर्ड है, मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप देख सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ की वैकेंसी है, जिसके लिए 18 से 25 साल आपकी एज है और मैट्रिक आपकी सॉरी मिडिल आपकी जो है वो आप क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और इसमें 54 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकल बेस्ड जो है वे वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप नीचे जाएं तो यहाँ पे क्लास 4 की वैकेंसी दी गई है, जिनमें ड्राइवर बेसिक पे स्केल 4 है, जिसके लिए प्राइमरी आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ड्राइवर बेसिक पे स्केल 4 की फिर वैकेंसी दी गई है, जिसके लिए 18 से 30 साल आपकी एज रिक्वायर्ड है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है। उसके बाद हेल्पर रनर की वैकेंसी दी गई है, ओवन ऑपरेटर क्लीनर की बेसिक पे स्केल 4 है, 18 से 25 साल आपकी एज रिक्वायर्ड है, मिडिल और प्राइमरी आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद नैब कासिद की वैकेंसीज है, इसके लिए भी आपकी जो है आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसमें एक वैकेंसी दी गई है, चौकीदार की वैकेंसी दी गई है, जिसके लिए 18 से 25 साल आपकी एज रिक्वायर्ड है, लोकल बेस है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। स्वीपर की वैकेंसी दी गई है, बेसिक पे स्केल 1 है, जिसके लिए आपकी प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो अप्लाई आपने कैसे करना है? इन जॉब्स को भी अप्लाई करने के लिए आपने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट nts.org.pk पे जाना है और वहाँ पे जाके आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। पिछले हफ्ते भी जो है इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनके लिए आपने NTS की वेबसाइट पे जाना है। तो इस वैकेंसीज के लिए भी आपने NTS की वेबसाइट पे जाके ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है वो pakistanjobsbank.xyz वेबसाइट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं। तमाम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2024 है। तो इससे पहले पहले आपने NTS की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड, ये ज़बरदस्त जॉब्स हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी तालीम कम है, और ये सरकारी जॉब्स हैं, परमानेंट बेसिस पे जॉब्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अनाउंस की गई हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।